गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के मेथड देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेपरेटिंग फनल देखा था। आज अपन देखेंगे सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। सब्लिमेशन के प्रोसेस में जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक है, तो देखिए सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस व्हिच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन के थ्रू अपन ऐसे टू सॉलिड को सेपरेट करेंगे जिनमें से एक सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली गर्म करने पर सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मिक्सचर किस किस का, सॉल्ट का और कपूर का। अपन सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट और कपूर के मिक्सचर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मतलब जो मिक्सचर है ना आपके पास सॉल्ट का और कपूर का, उसमें से अपन सॉल्ट को अलग करेंगे और कपूर को अलग करेंगे। तो देखिए सब्लिमेशन के मेथड को देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक बर्नर लेंगे इस तरह से, और बर्नर के ऊपर अपन ने क्या रखी है कि चाइना डिश रखी। देखिए मैंने यहाँ पर ये रफली डायग्राम बनाया है, आपकी बुक में इसका डायग्राम पेज नंबर 26 पर गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए सब्लिमेशन के प्रोसेस में सबसे पहले अपन एक बर्नर लेंगे, बर्नर के ऊपर अपन ने क्या रखा, चाइना डिश रखा, और चाइना डिश के अंदर अपन ने क्या डाला, मिक्सचर। किस किस का मिक्सचर, सॉल्ट का और कपूर का। फिर इस मिक्सचर के ऊपर अपन ने रखी एक फनल, क्या रख दी अपन ने, एक फनल, और फनल के माउथ पर यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे। अब अपन बर्नर से चाइना डिश को क्या देंगे, हीट देंगे। तो देखिए हीट देने से चाइना डिश क्या होगी, गर्म होगी। फिर ये हीट किसको मिलेगी, मिक्सचर को। मिक्सचर में से देखिए सॉल्ट तो गर्म करने पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक है, और कपूर है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, कपूर है वो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। तो जैसे अपन बर्नर से क्या देंगे, हीट देंगे, जो सॉल्ट और कपूर का मिक्सचर है उसमें से कपूर है वो क्या होगी, गर्म होकर सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, वेपर्स में। तो कपूर की वेपर्स है वो यहाँ से हीट लेके क्या होने लग जाएगी, ऊपर उठने लग जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, और सॉल्ट सॉल्ट नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू अपन ऐसे टू सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं जिनमें से एक सॉलिड हीट देने पर, गर्म करने पर सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। नेक्स्ट है अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज की जाती है, टू लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अपन ऐसे टू लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे जिनकी पीएच क्या हो, अलग अलग। ठीक है, ये ऐसा किसी भी शेप का पेपर हो सकता है, जनरली ये सर्कुलर पेपर होता है, इस तरह से अलग अलग इनपे क्या बने होते हैं, सर्कल बने होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस तरह का ये पेपर होता है जिसपे इस तरह से क्या होते हैं, सर्कल अरेंज होते हैं जिनके हर सर्कल का अलग अलग पीएच होता है। जैसे ही अपन यहाँ पर सॉल्यूशन को डालते हैं तो सॉल्यूशन केवल उस सर्कल तक जाएगा जिस सर्कल तक उसकी पीएच होगी। ठीक है, सॉल्यूशन में जो कंपाउंड होगा उसकी जितनी पीएच होगी वो उस पीएच लेवल तक के सर्कल को पास कर लेगा। ठीक है, वहाँ तक ही चला जाएगा और अपना कलर चेंज कर लेगा, और कलर को देखकर अपन उस कंपाउंड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। कौन से मेथड के थ्रू, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। नेक्स्ट कौन सी, अपने डिस्टिलाइजेशन। देखिए डिस्टिलाइजेशन है वो कहाँ यूज की जाती है, टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। देखिए मिसिबल क्या होते हैं, ऐसे टू लिक्विड जो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलाइजेशन मेथड अपन कहाँ यूज करते हैं, टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। लेकिन देखिए जो दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अपन ऐसे टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये डिस्टिलाइजेशन
लास्ट में क्या फिल कर देंगे, सॉल्यूशन। जिन दो लिक्विड्स को आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, उनका मिक्सचर अपन, उस सॉल्यूशन को अपन इस राउंड शेप फ्लास्क में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, थर्मोमीटर जो चेक करने के लिए है। ठीक है, किसको चेक करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए क्या लगा होता है यहाँ पर, थर्मोमीटर। ठीक है, और इस स्टैंड को अपन किससे कनेक्ट कर देंगे, वाटर कूलिंग ट्यूब से, और नीचे क्या होगा, एक अनदर राउंड शेप फ्लास्क। तो देखिए, जैसे ही अपन बर्नर से इस राउंड शेप फ्लास्क को क्या देंगे, हीट देंगे, हीट देने से जो अंदर सॉल्यूशन है वो भी क्या होएगा, गर्म होएगा, गर्म होने से मतलब बॉइल होएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने बर्नर से सॉल्यूशन को क्या दिया, हीट दिया, ये क्या होने लग गया, बॉइल होने लग गया। ठीक है, तो इसमें से जो वाटर है वो तो बॉइल हो के क्या बनेगी, उसकी वेपर्स बनने लग जाएगी, किसकी, वाटर की। जैसे ही आप यहाँ से इसको हीट दोगे, वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगे, यहाँ से क्या होने लग जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा, और फिर ये यहाँ से कहाँ पर पास होगा, कूलिंग वाटर ट्यूब में, यहाँ पर आते ही वाटर है उसका क्या होगा, कंडेंसर होगा, पानी क्या होगा, ठंडा होगा। कहाँ पर ठंडा होगा, वाटर कूलिंग ट्यूब के अंदर, और फिर जो वेपर्स है वो कंडेंस होके ठंडी होके वापस भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉप्स में, और ये जो सेकंड वाला राउंड शेप फ्लास्क उसमें आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, कौन सा, प्योर लिक्विड। ठीक है, इम्प्योर लिक्विड यहीं पे रह जाएगा, और जो प्योर लिक्विड है वो वेपर्स बनके ऊपर जाएगा, फिर वाटर कूलिंग ट्यूब में आएगा, यहाँ पर वाटर क्या होगा, कंडेंस होगा, ठंडा होगा, और फिर वापस वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होके बिल्कुल जो प्योर लिक्विड है वो आपका इस वाले राउंड फ्लास्क में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऐसे टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस हो। ठीक है, ये वाला मेथड आपको आपकी बुक से सेल्फ रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनकी स्टेट का चेंजेस देखेंगे। ठीक है।